संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा तथा शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग आरंभ प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने राष्ट्रीय झंडोत्तोलन किया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सादा समारोह आयोजित किया गया। झंडोत्तोलन के समय विद्यालय के शिक्षिकाएं रेणु पांडे, बिंदु सिंह, अरुणिमा, रोली सिंह, अंशु कुमारी तथा निशु कुमारी ने राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब हम इस राष्ट्र पर्व को छात्र छात्राओं, अभिभावकों तथा आम नागरिकों की गैर मौजूदगी में मना रहे हैं। उन्होंने शिक्षक शिक्षिकाओं से कहा कि आप अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निभाएं, यही हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना सबसे पहले पिछले दिनों काफी गैप हो गया जब हम सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो पाते थे। तो आज इस राष्ट्र पर्व के अवसर पे हम चाहेंगे कि आप सब लोग खड़े हो जाएं और राष्ट्र के वैसे सेनानी जो हम लोगों की रक्षा में सीमा में तत्पर होते हैं, चाहे पहाड़ हो, नदियां हो, दलदल हो, मरुस्थल हो। पिछले दिनों गलवान घाटी में गुत्थम गुत करते हुए हमारे कुछ सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। मैं चाहूंगी कि उन शहीद सैनिकों की याद में हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। ये तो हुआ राष्ट्र के बेटों के नाम। लेकिन विद्यालय में हमारी एक अभिभावक तुल्य शिक्षिका थी जो विद्यालय के शुरू के दौर से हम लोगों के साथ थी। लेकिन एक ऐसा दौर चल रहा है कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं तो विद्यालय परिवार उनके प्रति भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेगा। तो देश के बेटे के नाम और विद्यालय के अभिभावक के नाम हम चाहेंगे कि 2 मिनट का हम सभी पहले मौन रहें। स्वर्गीय अम्मा जी हिंदी की शिक्षिका थी प्राइमरी सेक्शन में, आप सभी को पता है। हमारी और बाढ़ की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए हमें पहले से ज्यादा सजग और सतर्क रहना है। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि विपदा की इस घड़ी में हमें साथ मिलकर मुकाबला करना है। विद्यालय के संगीत शिक्षक सरोज कुमार ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। मंच संचालन उप प्रधानाचार्य श्री राघवेंद्र कुमार वर्मा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री दीपेश कुमार ने किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। तो जो भी है
कि स्थिति थोड़ी विकट है, विषम है, सीमा पे भी विषम है और देश में भी विषम है, हमारे ही देश में नहीं बल्कि ये वैश्विक महामारी के दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। अन्यथा कौन सोचा था कि विद्यालय परिसर में भी सिर्फ शिक्षकों के बीच में इस राष्ट्र पर्व को मनाने का हमें मौका मिलेगा। गौरव तो तब होता है जब राष्ट्र के नौजवानों के बीच हम संबोधन करते हैं। गौरव तो तब होता है जब राष्ट्र निर्माण की बात हम राष्ट्र के भविष्य से करते हैं। गौरव तो तब होता है जब हम बच्चों को कहते हैं कि राष्ट्र के लिए जियो और राष्ट्र के लिए मरो। लेकिन आज इस महामारी में विद्यालय खाली है और परिस्थितियों से लड़ना, परिस्थितियों से जूझना और विषम परिस्थितियों में काम करना भारतीय जानता है और उन सभी चीजों का हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम पालन नहीं किए तो हम इस महामारी से जल्दी नहीं उबर पाएंगे और अपने आने वाले भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। अगर हम बाहर निकल रहे हैं और इसे लेकर अपने घर में जा रहे हैं तो हम ये कैसे सोच लेते हैं या सोच सकते हैं कि सिर्फ हम संक्रमित हैं, हम होंगे, हमारी पत्नी होगी, हमारे भाई बहन होंगे, हमारे माँ बाप होंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, सबसे जो प्रमुख है। तो अगर देश को बचाना है और राष्ट्रहित की बात करनी है तो इस राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उन बच्चों के भविष्य को हम सभी सुरक्षित कर रहे हैं और अपनी ऑफिस द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन हम सभी कर रहे हैं तो भी झंडा फहरेगा, हमारा तिरंगा मरुस्थल में भी फहरेगा, हमारा तिरंगा पथरीले पहाड़ों पे भी फहरेगा, हमारा तिरंगा किसान के उन खेतों में भी, उन लहलहाते फसलों के बीच में भी है फहरेगा, हमारा तिरंगा भाभा एटॉमिक सेंटर में भी फहरेगा, हमारा तिरंगा हम हो या न हो सभी जगह फहरेगा। तो हम राष्ट्र निर्माण की बात करें, देश निर्माण की बात करें, मैं वहां से भी आई मौलाबाग से, तो मैं बोली कि जब बच्चों को देखती हूँ ऐसे अवसर पे, उनकी आंखों को देखती हूँ, घर में है और घर में ही हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं और सही ढंग से दे रहे हैं। सबसे पहले जब हमारा एग्जाम हो रहा था उस समय लॉकडाउन का पीरियड आया इस महामारी काल में, तो हम लोगों ने अपने ऑफिस से, जो हेड ऑफिस से हमारी गाइडलाइन आई CBSE ऑफिस से, उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने स्कूलों का परिचालन बंद कर दिया। लेकिन इसी बीच में हम लोग रिजल्ट निकाले, रिजल्ट हम लोग कैसे निकाले, रिजल्ट हम लोग ऑनलाइन सिस्टम से निकाले, बहुत ढंग से हम सफल रहे उसमें। फिर बारी आई क्लास चलाने की, लेकिन तब तक तो महामारी चल ही रही है, क्लास कैसे चले, तो क्लास भी चला ऑनलाइन सिस्टम से। हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम से बच्चों को पढ़ाया, PDF भेजा, बच्चे भी होमवर्क, क्लास वर्क जो भी होता था लाइव क्लास करते थे, होमवर्क भी किया उन लोगों ने, कॉपियां यहाँ सबमिट की, कॉपियां चेक हुई, चेक करके हम लोगों ने बच्चों को दी, फिर बच्चे टेस्ट भी दिए, बच्चे टेस्ट दिए हैं और रिजल्ट निकलने की ऑनलाइन तैयारी चल रही है। इस माह की बात है कि हमारे बच्चे 90% एवं लाने वाले 25 बच्चे हैं और बाकी 60% हमारे विद्यालय का रिजल्ट रहा है। उन बच्चों के लिए आज इस राष्ट्र पर्व पे एक युवा होने के नाते हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें और जिन बच्चों ने संभावना परिवार उद्धार भी उनके होंगे तभी बने हैं, लेकिन इसको मैं अपने भाव से कर रही हूँ, शब्द राहत साहब के, लेकिन भावना मेरी, मैं मर भी रहा हूँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे माथे पर लहू से हिंदुस्तान लिख देना, एक बार फिर पढ़ूंगी, एक बार फिर पढ़ूंगी और आप लोग महसूस करना, शब्द जो होते हैं ना वो महसूस करने की चीज, अगर हल्के में लिए तो कुछ नहीं और अगर डीपली लिए तो, अगर इमोशनल है तो पेन होता है, अगर पावरफुल हो तो झगड़ा भी आप कर देते हैं, तो इसको महसूस कीजिएगा कि मैं मर भी रहा हूँ अपनी तरफ से महसूस कीजिएगा, तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान पे भारत माता की जय, भारत माता की जय। लालत का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश का।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। विद्यालय परिवार के द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार ऐसा स्वतंत्रता दिवस मनाया जो सबको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी जो सरहद पे पिछले दिनों हमारे सैनिक शहीद हुए और जिनकी बदौलत हम देश के अंदर इस राष्ट्रध्वज को फहरा रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की भी मैं ऋणी हूँ और आज के दिन उन सभी को याद करना चाहूँगी जिनकी शहादत से हम सभी स्वतंत्रता हासिल किए और इस दिवस को देखने का सभी देशवासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, कोरोना महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं और इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं और हम सभी अवश्य निकलेंगे जो भी निर्देश आ रहा है स्वास्थ्य विभाग का या WHO का। सैनिटाइजर यूज करना, मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सिर्फ जो स्कूल के शिक्षक हैं वो सारे मानकों को मानते हुए हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस पर सभी बच्चों अभिभावकों को मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। चूँकि यह हमारा राष्ट्र पर्व है तो किसी परिस्थिति में किसी जगह किसी स्तर पर हमें मनाना है और हमें मनाने में गर्व का अनुभव होता है। तो इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग किया और हम करते रहेंगे। विद्यालय परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और एक अलग तरीके से मनाया गया जहाँ केवल शिक्षक ही मौजूद हैं। इस बार चूँकि हम लोग महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हमारे जिला प्रशासन का ऐसा निर्देश था कि विद्यालय में बच्चे उपस्थित नहीं होंगे, तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष की हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अपने शिक्षकों के साथ और जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं वही लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने राष्ट्रीय झंडोत्तोलन किया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की भी प्रस्तुति हमारे शिक्षिकाओं ने दी और मैं ATL सिटी चैनल के माध्यम से अपने सभी अभिभावकों को, अपने सभी छात्र छात्राओं को इस पावन पर्व राष्ट्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ आपके माध्यम से देना चाहता हूँ।